आई कैन सी कि वो आपको भी अपने करियर में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, एंड वो ये उम्मीद करते हैं कि आगे जाके जब आप दोनों सेटल हो जाएंगे या आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, तब आप जिंदगी के किसी मुकाम पर आके टकराएंगे और मिलेंगे। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ। आई फील कि आपके पर्सन के अंदर आपके लिए बहुत ही गहरी फीलिंग्स हैं। वो फीलिंग्स इतनी गहरी हैं कि कभी-कभी उनको अपनी ही फीलिंग्स से डर लगने लग जाता है कि कहीं बाद में ये प्रॉब्लम ना बन जाए कनेक्शन में। आई सी वो अभी भी आपकी केयर करते हैं, शायद आपको नहीं पता, लेकिन आपका पर्सन आपके सोशल मीडिया से ये जानने की कोशिश करता है कि आप कैसे हैं, या फिर किसी से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आप ठीक तो हो या नहीं। कहीं ना कहीं वो अभी भी आपको चाहते हैं। आई कैन सेंस कि अभी आप दोनों काफ़ी यंग हैं और अपने ड्रीम्स परस्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों का ही फोकस अभी अपने करियर को लेकर है। आई कैन फील कि आपका पर्सन इतना खोल नहीं पाते किसी के सामने, इसलिए भी वो आपसे वो सब नहीं कह पाए जो कहना चाहते थे। उनके लिए उनकी लाइफ स्टेबल रहना बहुत मैटर करती है, एंड वो फिलहाल इसी में लगे हुए हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि आप उनके साथ काफी काइंड थे, आपने उनको काफी सपोर्ट करा, उनके मुश्किल दौर में आप हमेशा उनके साथ खड़े रहे, एंड वो कहीं ना कहीं आपसे ऑपोजिट हैं। उनके लिए अपनी ईगो और प्राइड बहुत मैटर करती है। वन थिंग्स फॉर श्योर कि वो आपको काफी पसंद करते हैं। उनके दिल में जो जगह आपकी है वो किसी और की नहीं है, एंड वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। बट ऑल इन ऑल अभी उनका पूरा फोकस खुद को आगे बढ़ाने को लेकर है, इसलिए वो किसी और चीज पर फोकस नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपना फ्यूचर आपके साथ सोच रखा है, अंदर ही अंदर उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है आपके पास आने की, इसलिए वो जल्दी सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके हिसाब से एक बार वो सेटल हो जाए फिर उसके बाद ही वो दूसरी चीजों को आगे बढ़ाएंगे। आपका पर्सन काफी लॉजिकल माइंडसेट का है, उनको ऐसा लगता है कि अगर हमें मिलना होगा तो हम जरूर मिलेंगे। इफ हमारा फ्यूचर ऊपर से लिखा ही हुआ होगा तो उसको कोई टाल नहीं सकता। अंदर ही अंदर वो इसी उम्मीद में है कि ऐसा ही हो। आई फील लाइक वो अपनी फैमिली में एक लौते ऐसे पर्सन है जिन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, इसीलिए उनके ऊपर फैमिली साइड से भी काफी प्रेशर है। उनके डिसीजंस का उनकी लाइफ पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए वो काफी सोच समझ कर ही कदम उठाते हैं। कहीं ना कहीं आई फील कि आपका पर्सन अभी रिकवरी मोड में है। इस कनेक्शन ने उनको काफी डिस्टर्ब किया है, इसलिए वो भी टाइम चाहते हैं पुराने जख्मों को भरने का। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन की फैमिली में कोई बीमार था या कोई उनसे बिछड़ गया, या यहाँ काफी लड़ाइयाँ होती थी जिसका उन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। आई फील लाइक उनको एंग्जाइटी हो जाती है, वो इस कश्मकश में उलझ कर रह जाते हैं कि वो अपनी फैमिली को संभालें या खुद को। इट्स लाइक आपके पर्सन के काफी बड़े सपने हैं जिनको उन्हें पूरा करना है, लेकिन उनके परिवार की तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी ने उनको समझा नहीं लाइफ में, सभी ने उनको हल्के में लिया। ये एक और रीजन है उनकी लाइफ में इनस्टेबिलिटी होने का, और वो इससे बाहर निकलकर इस कनेक्शन को परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड उनके फैसले उनके हैं, उनकी इच्छाएं उनकी। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन का नेचर कंट्रोलिंग है, उनको सब कुछ कंट्रोल में रखना अच्छा लगता है। उनके इस बिहेवियर से आपके कनेक्शन में काफी प्रॉब्लम्स भी आई, एंड इफ वो अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं तो एक कनेक्शन ठीक हो जाएगा, जो कि आई फील वो जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपके पास आने की कोशिश भी करता है लेकिन रुक जाता है।
उनको ऐसा लगता है कि वो अभी जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, या सिचुएशन उनके हिसाब से जैसी चलनी चाहिए वैसी नहीं चलेगी, इसलिए वो थोड़ा रुक जाते हैं। आई कैन ऑल्सो सी कि आपका पर्सन आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ में लाने से कतरा रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो आपका दिल ना तोड़ दें या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ना खड़ी हो जाए जिससे उनके करियर में रुकावट आए। इसलिए उन्होंने काफ़ी सीक्रेट्स भी रखे आपसे, आपकी भलाई के लिए या इस कनेक्शन की भलाई के लिए। एंड अब वो कहीं ना कहीं अपने फैसलों को सोचकर परेशान होते हैं, उनको गिल्ट होता है और वो सोचते हैं कि काश वो खुद से कभी आपको बता पाए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई गेट अ वाइब कि वो डे ड्रीमिंग करते हैं आपके बारे में, और वो चाहते भी हैं कि वो इसे कंट्रोल करें, लेकिन यूनिवर्स उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के बस में नहीं होती। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई स्ट्रॉन्गली फील कि आप उनके साथ काफ़ी ओपन और फ्रैंक थे, आपने काफ़ी टाइम डिवोट किया इस कनेक्शन पर, लेकिन आपका पर्सन उतना ओपन नहीं हो पाया आपके सामने, वो रेडी नहीं थे पूरा ओपन होने के लिए। एंड इस कश्मकश में उलझकर उन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको ये डर था कि वो आपकी तरह कभी नहीं बन पाएंगे। जैसे आपकी एनर्जी इतनी चेयरफुल एंड फ्रैंक है वैसी उनकी नहीं हो पाएगी, और इससे वो डरते भी थे कि कहीं आप ही उनको छोड़ के ना चले जाओ और उनकी प्राइड हर्ट ना हो। सिर्फ अपनी प्राइड को बचाने के लिए उन्होंने खुद ही आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, बट अब उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का पछतावा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब वो चाहते हैं कि भगवान ही इस कनेक्शन को ठीक करे, या कोई डिवाइन एनर्जी आके सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दे जिससे कनेक्शन इम्प्रूव हो। आई कैन सी कि वो आपको भी अपने करियर में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, एंड वो ये उम्मीद करते हैं कि आगे जाके जब आप दोनों सेटल हो जाएंगे या आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, तब आप ज़िंदगी के किसी मुकाम पर आके टकराएंगे और मिलेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहते हैं कि वो अभी आपसे मिलें, अभी आपसे बात करके सब ठीक करें। आई कैन स्ट्रॉन्गली सेंस कि कोई ऐसा दिन था जो आप दोनों ने शेयर किया जो आप दोनों के लिए ही काफ़ी स्पेशल था, कोई ऐसा दिन जब आप दोनों बाहर हो या पहली बार एक दूसरे से मिले हो, जिसको याद करके वो आज भी उदास होते हैं और चाहते हैं कि वो दिन वापस आ जाए। इट्स लाइक उनको पुरानी यादें सताती हैं। अभी उनका पर्सपेक्टिव काफ़ी चेंज हुआ है चीज़ों को लेकर, उनकी लाइफ में फ्रेंड्स हैं ऐसे जिनके थ्रू उनको पता लग पाया है कि ओपन होना, फ्रैंक होना कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी बॉन्ड में। इसलिए वो चाहते ही हैं कि अब आपके सामने ओपन हुआ जाए, आपको सभी बातें बताई जाए कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपको पूरी तरह से उनकी लाइफ में लाया जाए। इसलिए वो अपने फ्रेंड से आइडियाज़ लेते रहते हैं कि कैसे परस्यू करना है या कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में उनसे अच्छा करेंगे या कर रहे होंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि वो भी आपके लेवल पर आ जाएं, आप दोनों इक्वल हो जाएं, आप उनको आगे चल के कम ना समझें, ऐसी उनकी इच्छा है, इसलिए वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आई डू फील कि आपका पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल भी है, उनको कहीं ना कहीं होप है कि चीज़ें सही टाइम पर ही ठीक होंगी। उनको ऐसा भी लगता है कि अगर आप खुद ही उनके पास चलकर आ गए तो उनको समझ नहीं आएगा कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे हैंडल करना है, इसलिए वो टाइम चाहते हैं कि वो खुद ही आपके पास आए और आपसे अपोलोजाइज करें। उनको ऐसा लगता है कि अब वो मैच्योर हो गए हैं, पहले वो काफ़ी यंग थे, उनको चीज़ें समझ में नहीं आती थी,
इसलिए उनके हिसाब से सही टाइमिंग जल्द आने वाली है जब वो आपको अप्रोच करने आएंगे। वो ये भी सोचते हैं कि आप उनसे कई ज्यादा गुना मैच्योर हो गए होंगे एंड अब आप दोनों रेडी होंगे इस कनेक्शन को आगे तक लेकर जाने के लिए। आई फील कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो एंड वो दिल से दुआ करते हैं कि आपसे जल्द मुलाकात हो और चीजें ठीक हों, जो कि आई नो जल्द होंगी। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आपको आज क्या एडवाइस करना चाह रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन फेरी आपको अपनी लाइफ में हो रहे चेंजेस जो कि आपकी भलाई के लिए हैं उनकी तरफ सरेंडर करने के लिए कह रही है। आप आइदर अभी ट्रांसफॉर्म हो रहे हो या होने वाले हो। ऐसी ये चेंज चैलेंजिंग होने के साथ साथ एक्साइटिंग भी होने वाला है, जहां आप खुद में नए चेंजेस देखोगे। जो भी आपकी लाइफ के करंट हालात हैं, नो दैट वो भी आगे आपकी बेटरमेंट के लिए ट्रांसफॉर्म होने जा रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेरी आपको रिमाइंड कराना चाहती है कि ये चेंज आपकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा अमेजिंग हो सकता है, क्योंकि जब आप एक्चुअली नेचुरल प्रोसेसेस की तरफ लेट गो एंड सरेंडर कर दोगे तो आपको अपनी लाइफ का एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। क्या होता है कि कई बार लोग चेंज से घबराते हैं, बट अगर आप विलिंगली ये चेंज अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपसे जुड़े आपके आसपास लोगों पर भी होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन फेरी सिर्फ तीन शब्द बोलना चाहती है, अलाउ, ट्रस्ट एंड फ्लो। इस ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज को अलाउ करो, उस चेंज के प्रोसेस को ट्रस्ट करो एंड इस एनर्जी को अपनी लाइफ में फ्लो होने दो। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।